न्यूज, खबरों की नई पहचान। शिक्षा के प्रति सरकार की राजनीति को देखते हुए पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के सभी शिक्षक एवं प्रोफेसर ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। लगातार राज्य सरकार को शिक्षा पर नकेल कसना ठीक नहीं है। इस पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के महासचिव हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा, झारखंड के सातों विश्वविद्यालय के राज्य स्तर के शिक्षक संगठन हुटाज की एक बैठक 21 सितंबर को रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग में संपन्न हुआ था। सातों विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने उस बैठक में सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ जोर शोर से आवाज़ उठाई थी और उन्होंने सरकार को सचेत करने के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया था कि 27 और 28 सितंबर 2018 को राज्य के सातों विश्वविद्यालयों में हम काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य का निष्पादन करेंगे। ये हमारा विरोध जताने का एक तरीका है। दूसरा कदम हमारा होगा कि सात अलग अलग दिन सातों विश्वविद्यालयों के मुख्यालय पर बैठ कर हम सामूहिक अवकाश में रहेंगे और मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कुलपति महोदय को। ये कार्यक्रम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद को 5 अक्टूबर को करना है, बाकी के विश्वविद्यालयों को अपने अपने तिथि पर करना है। हमारी मांगे साफ हैं, झारखंड में शिक्षक 20-20, 22-22, 30-30, 35-35, 40-40 साल से लगातार काम करने के बाद से उनको कहीं कोई प्रोन्नति नहीं मिला है। पाँचवें छठे वेतनमान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग के एक लकी फरमान के कारण जो लाभ हम लोगों को मिलते रहे हैं उसको रोक दिया जाता है। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की नहीं है, विश्वविद्यालय की नहीं है, सरकार की है, HRD की है, JPSC की है, लेकिन भुक्तभोगी हम होते हैं। लगातार शिक्षा पे राज्य सरकार का प्रहार है। CBSE सिस्टम को बगैर सोचे समझे लागू करवाने की कोशिश की गई है। कक्षाएँ नहीं चल पा रही हैं ठीक से। हमारा विश्वविद्यालय कुछ दिनों में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लेने का एक भवन बनकर रह जाएगा। शिक्षा में जो मूलभूत एक वाद विवाद और आविष्कार की बात होनी चाहिए, रिसर्च की बात होनी चाहिए, उसको बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे काम किया जाता है। आपका समाज तब आगे बढ़ता है जब आपके लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास ज्ञान अर्जन का, ज्ञान सृजन का और ज्ञान प्रसार का तरीका उनके हाथों में आप दिए हुए रहते हैं। तब सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। हमारे बच्चों तक, जो गांव के दूर दराज के बच्चों हैं, उन तक हायर एजुकेशन नहीं पहुंचाने की एक साजिश सी चल रही है। इन चीजों को तोड़ने के लिए शिक्षा, शिक्षक और विश्वविद्यालयों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए हम ये चेतावनी दे रहे हैं। अगर इससे भी सरकार नहीं जागती है तो हम अपने कार्यक्रमों को और उग्र और तीव्र करने पर मजबूर होंगे। न्यूज़, खबरों की नई पहचान।